हेलो एवरीवन, आज इस लेक्चर के अंदर हम समझने वाले हैं पॉलीहाइड्रोमियोस की मैनेजमेंट के बारे में और जब ये कंडीशन अपीयर होती है तो वुमेन में क्या कॉम्प्लिकेशंस दिखाई देते हैं। तो इस वीडियो को देखने से पहले मैंने कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक वीडियो के अंदर डिस्कस किए थे रिगार्डिंग पॉलीहाइड्रोमियोस कि ये क्या होता है और इसके कॉजेस क्या हैं और साइन एंड सिम्टम्स क्या होते हैं। सो उसका लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया है, उसे ज़रूर देखें ताकि इस वीडियो की कंटिन्यूटी को आप इजीली कोरिलेट कर सकते हैं। सो पॉलीहाइड्रोमियोस को सबसे पहले डायग्नोस कैसे किया जा सकता है, कैसे इन्वेस्टिगेट किया जाए, क्योंकि हमने बहुत सारे ऐसे कॉजेस प्रीवियसली डिस्कस किए हैं। तो AFI और SDP यानी एमनियोटिक फ्लूइड इंडेक्स और सिंगल डीपेस्ट वर्टिकल पॉकेट जो होता है, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए एमनियोटिक फ्लूइड के एस्टिमेशन को टेस्ट करने का तरीका होता है, जो कि अल्ट्रासोनोग्राफी के जरिए पता किया जाता है, इसकी वैल्यूज़ के बेसिस पे हम डिटेक्ट कर सकते हैं कि वुमेन को पॉलीहाइड्रोमियोस है। लाइक अगर AFI की वैल्यू 25 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है या फिर SDP की वैल्यू 8 सेंटीमीटर से ज़्यादा होती है तो ये कंडीशन पॉलीहाइड्रोमियोस कहलाती है। और ना केवल सोनोग्राफी के जरिए हम इन दो वैल्यूज़ को पता कर सकते हैं बल्कि इसके साथ में फीटस के अंदर प्रेजेंट कई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। सो क्योंकि हमने देखा था कि कई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट भी पॉलीहाइड्रोमियोस के लिए रिस्पॉन्सिबल रीजंस होते हैं एंड फीटस की लाई क्या है, प्रेजेंटेशन क्या है, इसे भी हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं विद द यूज़ ऑफ अल्ट्रासोनोग्राफी। सो पहला जो टेस्ट है वो अल्ट्रासोनोग्राफी है जिसके ज़रिए हम इन वैल्यूज़ के बेसिस पे पॉलीहाइड्रोमियोस का पता लगा सकते हैं। एंड दूसरा, क्योंकि अगर वुमेन डायबिटिक हैं तो उसके कारण भी फीटस के अंदर हाइपरग्लाइसीमिया हो सकता है जो कि पॉलीयूरिया के कारण एमनियोटिक फ्लूइड वॉल्यूम को बढ़ाता है, तो हम ब्लड टेस्ट के जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि क्या वुमेन को डायबिटिस तो नहीं है। और इसके अलावा ABO और RH ग्रुपिंग के जरिए वुमेन का ब्लड ग्रुप टेस्ट कर सकते हैं और हम ये पता कर सकते हैं कि वुमेन RH नेगेटिव तो नहीं है, क्योंकि RH नेगेटिव वुमेन के अंदर हाइड्रॉप्स फिटालिस होता है बेबीज के अंदर और जो प्लासेंटल टिश्यूज़ हैं वो भी हाइपरप्लेजिक होती है, जिसके कारण जो फ्लूइड है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में फिल्टर आउट होता है और एमनियोटिक फ्लूइड की के वॉल्यूम को बढ़ाता है। ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। सो ABO RH ग्रुपिंग के जरिए भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं इस कंडीशन को एंड पहले से प्रिकॉशन लिया जा सकता है, क्योंकि ये सारी कंडीशन अब नाउडेज क्या है, प्रिवेंटेबल है। ओके, एंड इसी के साथ में एमनियोटिक फ्लूइड के अंदर प्रेजेंट जो अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल है उसके अमाउंट को देख के भी हम पता कर सकते हैं कि पॉलीहाइड्रोमियोस जो है वो कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट के कारण तो नहीं है, क्योंकि अल्फा फीटो प्रोटीन लेवल जो होता है ये इंक्रीज रहता है इन ओपन स्पाइना बायफिडा। सो इसके बेसिस पे भी हम डिटेक्ट कर सकते हैं। सो दीज आर द टेस्ट जिसके ज़रिए हम पॉलीहाइड्रोमियोस क्यों हो रहा है और इसके पीछे क्या रीज़न है उसको डिटेक्ट कर सकते हैं। सो अल्ट्रासोनोग्राफी है, ब्लड टेस्ट है, एज वेल एज एमनियोटिक फ्लूइड को भी हम टेस्ट कर सकते हैं बाय एमनियोसेंटेसिस, जिसके ज़रिए इन वैल्यूज़ को डिटेक्ट किया जा सकता है। नाउ इस कंडीशन के साथ में वुमेन एज वेल एज फीटस के अंदर कॉम्प्लिकेशंस क्या होते हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। सो सबसे पहले, क्योंकि यहाँ पे लिकर एमनाई का जो वॉल्यूम है वो बढ़ रहा है और उसी वॉल्यूम बढ़ने के साथ में देर इज़ अ स्ट्रेचिंग ऑफ मसल फाइबर, और जो मसल फाइबर स्ट्रेच होती है उसके कारण क्या हो सकता है, देर मे बी अ चांस ऑफ प्री मेच्योर रप्चर ऑफ मेम्ब्रेन। जो फीटल मेम्ब्रेन होती है वो अर्ली रप्चर हो सकती हैं। ओके, और अगर प्री मेच्योरली रप्चर हो रही है मीन्स देर इज़ अ चांस कि प्री टर्म लेबर हो सकता है, यानी प्रेगनेंसी टर्म तक भी नहीं पहुँच रही है उससे पहले ही लेबर इनिशिएट हो सकता है। एंड अगर प्री मेच्योरली अगर मेम्ब्रेन रप्चर होती है तो देर इज़ वन मोर कॉम्प्लिकेशन, क्योंकि जब सडनली गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड लीक आउट होता है जो कि यहाँ पे बहुत एक्सेस अमाउंट में है, तो देर इज़ अ चांस कि यहाँ पे प्लासेंटा जो है वो क्या हो सकता है, प्रीवियसली प्री मेच्योरली सेपरेट हो सकता है, देर मे बी अ एक्सीडेंटल हेमरेज। ओके, क्योंकि यहाँ पे सडनली क्या हो रहा है कि जैसे ही फ्लूइड बाहर लीक आउट हो रहा है सडनली जो यूट्राइन कैविटी है उसकी साइज सडनली क्या हो रही है, कंप्रेस हो रही है, सडनली शॉर्ट हो रही है। सो जिसके कारण क्या हो सकता है, प्लासेंटल टिश्यूज जो हैं वो क्या हो सकते हैं, अर्ली सेपरेट हो सकते हैं। सो उसके कारण एक्सीडेंटल हेमरेज यानी एंटीपार्टम हेमरेज होने के चांसेस, यानी अब्रप्ट प्लासेंटा होने के चांसेस भी रहते हैं। नाउ
जैसे ही ये अर्ली कंप्रेस होता है तो हो सकता है कि यूट्राइन टोन उतनी एस्टेब्लिश ना हो, उतने इफेक्टिव यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन ना हो, जिसके कारण यूट्राइन इनर्शिया भी हो सकता है। एंड देयर मे बी अ चांस कि इस ए टोनिसिटी के कारण प्लासेंटा जो है वो रिटेन रह सकता है। ओके, सो देयर मे बी चांस ऑफ रिटेन्ड प्लासेंटा। ओके, मैटरनल डिस्कम्फर्ट्स हो सकते हैं, मैटरनल डिस्ट्रेस हो सकता है, एज वेल एज देयर मे बी अ अनस्टेबल लाई, माल प्रेजेंटेशंस देखने को मिल सकते हैं। एंड जब रिटेन प्लासेंटा होगा या फिर अगर टोनिसिटी अगर लॉस होगी तो देर मे बी चांस कि पोस्टपार्टम हेमरेज भी हो सकता है, बिकॉज ये पीपीएच के अंदर हमने डील किया था कि ए टोनिसिटी ऑफ द यूट्रस, रिटेन प्लासेंटा, ये सारे क्या कॉज करते हैं, पोस्टपार्टम हेमरेज। सो अगर ये कॉम्प्लिकेशन अराइज हो रहे हैं तो देर मे बी चांस कि पोस्टपार्टम हेमरेज एज वेल एज शॉक भी वुमेन के अंदर हो सकता है। नाउ जब मेम्ब्रेन अर्ली रप्चर हो जाती है एंड सडनली देर इज अ गश ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो कि बाहर आ रहा है, तो देर इज अ चांस कि कॉर्ड जो है वो प्रीवियसली क्या हो सकती है, प्रेजेंट हो सकती है, कॉर्ड पहले नीचे आ सकती है, देर मे बी अ कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड जो है वो सबसे पहले बाहर आ सकती है। सो इन सारे कॉम्प्लिकेशंस के कारण वुमेन के अंदर ऑपरेटिव इंटरफेरेंस बढ़ सकता है, जिसके अंदर सीजरियन सेक्शन की ओर मूव किया जा सकता है या फिर हो सकता है वेंटूज या फोर्सेप के भी एप्लीकेशन के चांसेस बढ़ जाएं। नाउ देयर इज वन मोर कॉम्प्लिकेशन जो कि फीटस के अंदर हो सकती है, दैट इज फीटल डेथ हो सकती है, और इसके पीछे रीजन हो सकता है दैट इज प्री टर्म लेबर। अगर प्रीवियसली बर्थ हो रहा है तो देर में भी चांस, एंड अगर उसी के साथ में फीटस के अंदर कंजेनाइटल एनोमलीज हैं तो उसमें भी फीटल डेथ होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशन जो कि पॉलीहाइड्रोमनियोस के साथ दिखाई दे सकते हैं। नाउ इस कंडीशन को मैनेज कैसे किया जा सकता है, मैनेजमेंट इज कम्प्लीटली डिपेंड ऑन डिग्री ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस एज वेल एज कितने वीक ऑफ जेस्टेशन है, इनके ऊपर डिपेंड करता है। लाइक नाउडेज कई सिचुएशन जो है वो अंडर कंट्रोल है, अगर हम प्रीवियसली इन सारी चीज़ों को मैनेज कर लें या डिटेक्ट कर लें तो पॉलीहाइड्रोमनियोस कंडीशन को सीवियरिटी की ओर बढ़ने से रोका जा सकता है। लाइक अगर वुमेन डायबिटिक है तो अगर उस डायबिटीज को पहले से कंट्रोल कर लिया जाए, अर्ली डिटेक्ट कर लिया जाए, तो देर में भी चांस कि हम पॉलीहाइड्रोमनियोस को रोक सकें। और उसी के साथ में अगर अर्ली मंथ के अंदर कंजेनाइटल डिफेक्ट्स ईजिली आइडेंटिफाई हो जाते हैं तो जेनेटिक काउंसलिंग के जरिए पेरेंट्स को अवेयर कराया जा सकता है और प्रेगनेंसी को टर्मिनेट करने की एडवाइस दी जा सकती है। एंड अगर आरएच नेगेटिव वुमेन है तो उसको टाइमली ट्रीट किया जा सकता है। सो दीज आर दी प्रिवेंटेबल मेथड्स जो कि हम अर्ली स्टेज पे कर सकते हैं। बट अगर वुमेन को माइल्ड टाइप ऑफ पॉलीहाइड्रोमनियोस है तो उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन की ज़रूरत नहीं है, वेर एज एन वी कैन एनकरेज कि उसे कंप्लीट बेड रेस्ट मिले एंड ताकि वो लीस्ट मोबिलाइज हो एंड देन प्रेगनेंसी को जो है वो नियर टर्म तक लेके जाएं, मीन्स उसको कंटिन्यू करना है नियर टर्म एंड देन प्रेगनेंसी को टर्मिनेट कर सकते हैं। बट अगर वुमेन को सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस है तो उस कंडीशन में हॉस्पिटलाइजेशन बहुत ज़रूरी है। एंड वंस वुमेन इज एडमिटेड इन हॉस्पिटल तो कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हमें पहले आइडेंटिफाई करना ज़रूरी होता है, लाइक ए बी ओ आर एच ग्रुपिंग हम टेस्ट करेंगे जिसके ज़रिए वुमेन का ब्लड ग्रुप आइडेंटिफाई करेंगे, एज वेल एज टारगेटेड अल्ट्रासोनोग्राफी करेंगे जिसके ज़रिए अगर कोई कंजेनाइटल बर्थ डिफेक्ट है और कितना ए एफ आई या एस डी पी है उसको हम आइडेंटिफाई कर सकते हैं। एंड इसी के साथ में अगर वुमेन डायबिटिक है तो ब्लड टेस्ट के जरिए भी आइडेंटिफाई कर सकते हैं। नाउ इन सारे डेटास को कलेक्ट करने के बाद अगर हमें ये पता चलता है कि वुमेन जो है वो प्रेगनेंसी को इजीली कंटिन्यू कर पा रही है, देर इज़ नो एज सच फीटल एनोमलीज कुछ भी डिटेक्ट नहीं हुई है एंड प्रेगनेंसी कैन बी कंटिन्यू टिल टर्म, तो हमें प्रेगनेंसी को कंटिन्यू करना पड़ेगा टिल टर्म, ओके, बिना किसी इंटरप्शन के, ओके। लेकिन मदर को अगर बहुत ज़्यादा डिस्ट्रेस है तो उस कंडीशन में हम क्या कर सकते हैं, बिकॉज यहाँ पे एमनियोटिक फ्लूइड अमाउंट बहुत ज़्यादा है जिसके कारण वुमेन को डिजनिया, पाल्पिटेशन, अगर ये सारे सिम्टम्स बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं एज वेल एज बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी हो रही है, तो उस कंडीशन में ये जो मेजर अमाउंट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड है उसे हम रिड्यूस कर सकते हैं। तो यहाँ पे एमनियोसिंथेसिस के ज़रिए या फिर एमनियो रिडक्शन के ज़रिए जैसे बोलते हैं, यानी एमनियोटिक फ्लूइड को हमें कम करना है, रिड्यूस करना है, और उसे कैसे करते हैं, एमनियोसिंथेसिस प्रोसीजर के ज़रिए, जिसमें क्या करते हैं कि
अप्रॉक्सीमेटली 500 ml पर आरली हम धीरे धीरे क्या करेंगे, एमनियोटिक जो फ्लूड है उसे बाहर निकालेंगे, ओके, इस प्रोसीजर के जरिए। तो इस तरीके से एमनियोटिक फ्लूड वॉल्यूम जो है वो कम होगा, जिसके कारण जो मेटरनल डिस्ट्रेस है और अनइजीनेस है वो क्या हो सकती है, कम हो सकती है। बट मैक्सिमली हम एक प्रोसीजर के अंदर 1500 से लेके 2000 ml फ्लूड ही हम विड्रॉ कर सकते हैं। सो इस प्रोसीजर को हम रिपीट कर सकते हैं अगर मेटरनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है। सो इस चीज़ को हमें रिपीट करना है टिल टर्म, बिकॉज देर इज़ नो नीड टू टर्मिनेट द प्रेगनेंसी इन अर्ली फेज। तो यहाँ पे हम अगर मेटरनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो रहा है तो उस कंडीशन में हम एमनियो रिडक्शन टाइम टू टाइम करेंगे एंड देन ये जो डिस्ट्रेस है उसे रिड्यूस करेंगे और प्रेगनेंसी को टिल टर्म तक कंटिन्यू करेंगे। एंड सपोज मेटरनल डिस्ट्रेस बहुत ज़्यादा है और उसके साथ में अगर वीक ऑफ जेस्टेशन भी 37 से ज़्यादा हो चुके हैं तो उस कंडीशन में हम एमनियो रिडक्शन के साथ में क्या कर सकते हैं, ऑक्सीटोसिन इन्फ्यूजन दे सकते हैं वुमेन को एट अ स्लो रेट एंड उसी के साथ में ARM कर सकते हैं कंट्रोल्ड मैनर में। आर्टिफिशियली मेम्ब्रेन को रप्चर करके प्रेगनेंसी को टर्मिनेट किया जा सकता है, बट इट शुड बी इन अ कंट्रोल्ड मैनर। कंट्रोल्ड का यहाँ पे मतलब है कि हमें डायरेक्टली कॉचर फोर्स से कम्प्लीटली उस मेम्ब्रेन को रप्चर नहीं करना है, क्योंकि अगर हम ऐसा करेंगे तो देर विल बी अ लीक आउट ऑफ एमनियोटिक फ्लूइड जो कि सडनली होगा और बहुत ज़्यादा अमाउंट में बाहर आ जाएगा, जिसके कारण एक कॉम्प्लिकेशन क्रिएट हो सकता है जो कि मैंने बताया था, दैट इज देर इज मे बी अ प्री मेच्योर सेपरेशन ऑफ प्लासेंटा, क्योंकि सडनली यूट्राइन साइज जो है वो एकदम कम हो जाएगी जिसके कारण प्री मेच्योरली प्लासेंटा सेपरेट हो सकता है। सो हमें ये इस चीज़ को अवॉइड करना है एंड यहाँ पे इस मेम्ब्रेन को कंट्रोल्ड मैनर में रप्चर करना है। और वो कैसे करेंगे, नीडल से जगह जगह पे कुछ पंचर्स करेंगे जिसके कारण जो फ्लूड है वो स्लोली एस्केप आउट होगा। बट सपोज इस टारगेटेड सोनोग्राफी के जरिए अगर हमें फीटल एनोमली आइडेंटिफाई होती है एंड अगर ये सीवियर पॉलीहाइड्रोमनियोस कॉज कर रही है वुमेन के अंदर, तो इररेस्पेक्टिव ऑफ एनी वीक ऑफ जेस्टेशन यहाँ पे हम प्रेगनेंसी टर्मिनेट करने के लिए वुमेन को एनकरेज करेंगे। तो इस तरीके से इस वीडियो के अंदर हमने समझा कि पॉलीहाइड्रोमनियोस को कैसे मैनेज कर सकते हैं और इसके कारण वुमेन एज वेल एज फीटस के अंदर क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं। थैंक यू।